हज़रत ख्वाजा सैयद फ़ख्रुद्दीन गर्देजी रहमतुल्लाह अलैह के खादिम खास हुजूर गरीब नवाज से आपका रिश्ता ये है कि आप हुजूर गरीब नवाज के फूफीजाद चाचाजाद भाई हैं और पीर भाई भी हैं। जिस वक्त हुजूर सरकार गरीब नवाज को हिंदुस्तान के लिए रवाना किया हुजूर गरीब नवाज के पीर और मुर्शिद ने, तो आपने दोनों भाइयों को बुलाया हुजूर गरीब नवाज को और हजरत ख्वाजा सैयद फ़ख्रुद्दीन गुरदेजी रहमतुल्लाह अलैह को। दोनों भाइयों को बुला के दोनों का हाथ अपने हाथ में लिया और ख्वाजा फ़ख्रुद्दीन गुरदेजी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, ए फ़ख्रुद्दीन मेरा मोइनुद्दीन ऐसे दयार गैर में जा रहा है जहाँ पे कोई इसका नहीं है, तुम हमेशा मोइनुद्दीन के साथ रहना, तुम मोइनुद्दीन की खिदमत करना, गुलामी करना जिस तरीके से तुमने तुम्हारे पीर की खिदमत की। और हुजूर गरीब नवाज से फरमाया, ए मोइनुद्दीन ये फ़ख्रुद्दीन मेरी अमानत है, इसे कभी अपने से जुदा मत करना, इसको हमेशा अपने करीब रखना, इसका ख्याल रखना। आज से 850 साल पहले ये वादा आपके पीर और मुर्शिद ने लिया दोनों भाइयों के लिए और दोनों भाई का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे दिया। आज 850 साल इस वादे को गुजर गए। गरीब नवाज के जब बड़े साहबजादे हुए तो गरीब नवाज यानी आप देखिए गरीब नवाज की अपने गुलाम से अपने भाई से मोहब्बत कैसी है कि जब गरीब नवाज के बड़े साहबजादे हुए तो उन्होंने उनका नाम ख्वाजा सैयद फ़ख्रुद्दीन चिश्ती रखा अपने गुलाम के नाम से, अपने भाई के नाम से। जब भी गरीब नवाज हज़रत ख्वाजा सैयद फ़ख्रुद्दीन गुरदेजी रहमतुल्लाह अलैह को तलब करते थे तो वो ये कहते हुए आते थे, हुजूर की बारगाह में मैं खादिम फ़ख्रुद्दीन हाजिर है। हुजूर तो गरीब नवाज कहते थे, ए फ़ख्रुद्दीन तुम मेरे भाई हो, मुझे भाई कहा करो, लेकिन वो हमेशा यही कहा करते थे, आप आका हैं और मैं ग़ुलाम। तो यहाँ पे आज हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में जितने भी सैयदजादे हैं गरीब नवाज के खादिम, यहाँ पे शेखजादे भी हैं लेकिन जितने भी सैयदजादे हैं गरीब नवाज के ग़ुलाम अजमेर शरीफ में हैं। हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में वो सब हज़रत ख्वाजा सैयद फ़ख्रुद्दीन गर्देजी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद हैं।